मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुंसक बताया। इसे लेकर प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह पर लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों का हितैषी बताया था। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा को नपुंसक करार दिया। उन्होंने कहा कि शर्मा अगर मुझे आतंकवादी का हिमायती मानते हैं तो मुझे उनकी नपुंसकता पर निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में रहते हुए मुझ पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। माननीय बीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार केंद्र राज्य नगर पालिका नगर निगम वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्गी आधारहीन फिल्मों की तरह सेंसेशनल बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की आदत से मजबूर है। पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ देश के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म का अपमान करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों से सनातन को बदनाम करना, ये मानसिक आतंकवाद है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मानसिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनके बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी, आपकी न्यूज की खबर बने रहे इसलिए जैसे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में सेंसेशनल मूवीज होती है ना, जिनका आधार कुछ नहीं होता। एक राइटर जिसके दिमाग में केवल गंदगी भरी रहती है वो एक फिल्म लिख देता है और वो फिल्म बन जाती है और उसके माध्यम से सेंसेशन फैलाने की एक कुकृत्य समाज में होता। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी राजनीति में सेंसेशनल न्यूज़ देकर मीडिया की खबर बनने की आदत से मजबूर हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देना यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।